नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाक की नापाक हरकतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब पाकिस्तान की ट्रेंड महिलाएं सीमा पर रहने वाले भारतीयों को किस प्रकार जासूस बना रही हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI अब भारत के युवाओं को हनी ट्रैप में फंसाकर सेना की खुफिया सूचनाएं निकालने का हथकंडा अपना रहा है। इसके लिए उसने बकायदा ट्रेंड महिलाओं की एक टीम बनाई है जो युवाओं को अपनी बातों में फंसाकर उनसे सेना की जासूसी करने के लिए कहती हैं। ये महिलाएं सोशल मीडिया के जरिए राजस्थान की सीमा के पास रहने वाले युवाओं को अपना निशाना बनाती हैं। ये महिलाएं कुछ महीनों तक युवाओं से बातचीत करके उन्हें भरोसे में लेती हैं और फिर उन्हें सेना की जासूसी करने के लिए उकसाती हैं। ये युवा कभी प्रेम ज्वाल में तो कभी पैसे के लालच में उनका साथ देते हैं। ये महिलाएं ज्यादातर उन युवाओं को अपना निशाना बनाती हैं जो किसी भी तरह से सेना या BSF से जुड़े होते हैं। राजस्थान का श्रीगंगानगर पाकिस्तान के बहावलपुर से सटा हुआ है। यहीं पर ISI का मुख्यालय भी है। श्रीगंगानगर में सैन्य छावनियों और वायुसेना की गतिविधियां होती रहती हैं। हर साल युद्धाभ्यास होते हैं, इसी वजह से ISI यहां अपने जासूस तैयार करता रहता है। BSF के खुफिया विंग के सेनानिवृत्त डिप्टी कमांडेंट OP चौहर बताते हैं कि भारतीय सीमा पर लंबे समय से पाकिस्तानी टावर के नेटवर्क आ रहे हैं। इससे हमारी सीमा में पाकिस्तानी सिम से आसानी से बातचीत हो जाती है। सेना और अर्धसैनिक बलों में साइबर क्राइम बढ़ रहा है, ऐसे में जवानों के सोशल मीडिया अकाउंट चलाने पर पाबंदी लगनी चाहिए या फिर उन्हें अपने जवान होने की जानकारी को छुपा कर रखना चाहिए। ISI लड़कियों के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है।